हेलो गाइस, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम इन म्यूसिमा क्लासेस। सो इस लेक्चर में मैं बताने आ रहा हूँ FDMA के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, सो FDMA स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले हम ये जान लें कि कितने तरीके के मल्टीप्लेक्सिंग मेथड होते हैं। सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस FDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस TDMA, ओके, एंड द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA, एंड द ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस OFDMA, एंड द स्पेशल डिवीजन मल्टीपल एक्सेस SDMA। ओके, सो ये पांच आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग मेथड होते हैं जिनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। FDMA के बारे में बात करते हैं, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो ये क्यों यूज़ करते हैं? सपोज दैट एक चैनल है, अगर हम YouTube को एग्जांपल लें कि YouTube पर एक चैनल है वो बहुत मतलब फेमस हो चुका है। सो एक समय पे हो सकता है कई सारे यूजर्स उसे एक्सेस कर रहे हों, तो हो सकता है कि उसके सर्वर पर कोलिजन हो जाए उन सारी रिक्वेस्ट का। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने चैनल को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसकी फ्रिक्वेंसीज में उसे डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर F1, F2, F3, F4, ये सारी फ्रिक्वेंसीज हैं। F1 को अलग, F2 को अलग, F3 को अलग, F4 को अलग कर दिया। तो क्या होगा कि जब यूज़र उसे एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर कोलिजन इफेक्ट नहीं करेगा, कोलिजन नहीं आएगा। कि हो सकता है यूज़र वन ने, यूज़र टू ने, यूज़र थ्री ने एक टाइम पर एक्सेस कर रहा हो कोई चैनल को, तो हो सकता है यूज़र वन को F1 मिल जाए, यूज़र टू को F2 मिल जाए, यूज़र थ्री को F3 मिल जाए। और ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा कि यूज़र वन जो है उसको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, सबको फुल एक्सेस मिलेगा चैनल का। ओके, सो इसीलिए कोलिजन को दूर करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस लाए। इसमें क्या किया हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जब मल्टीपल एक्सेस हो रहे हों। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री को F1, F2, F3 तरीके से मिलाकर यहाँ पर n यूज़र हो जाए तो n फ्रीक्वेंसीज को हम चैनल को n फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन चैनल में जो फ्रीक्वेंसीज डिवाइड करी गई है वो डिवाइड करी गई है गार्ड बैंड के थ्रू। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये गार्ड बैंड है, यहाँ पर गार्ड बैंड इसलिए लगाया गया है कि आपस में फ्रीक्वेंसी मैच ना कर जाए, मिक्स ना हो जाए। ओके, सो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने कभी अगर जियो सिम आपने यूज़ किया होगा तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि अभी भी होता है कि आपने किसी को कॉल किया और वो कॉल किसी उस पर्टिकुलर बंदे को नहीं मिल रही जिस पर्टिकुलर बंदे को आप कॉल करना चाहते हैं, और किसी अनदर बंदे को मिल जा रही है। सो उस जगह पर क्या होता था कि गार्ड बैंड वर्क नहीं करता है। और आपको बता दूँ इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है FDMA का कि जैसे कोई भी गार्ड बैंड होता है, कोई भी गार्ड बैंड है इस दुनिया में, कोई भी गार्ड बैंड वो फुल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं कर सकता। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कॉल किया और वो कॉल उस बंदे को ना मिलकर, पर्टिकुलर बंदे को मिलकर किसी और बंदे को मिल जाती है। तो इस जगह पर ये इसका डिसएडवांटेज है FDMA का। ओके, सो गार्ड बैंड का क्या मतलब होता है, गार्ड बैंड क्या करता है, फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करता है चैनल में। तो एक चैनल को हम क्या कर लेते हैं कि कई सारी फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर लेते हैं, और यूज़र जब कई सारे यूज़र उसे एक्सेस करते हैं तो कोलिजन वहाँ नहीं होता है और चैनल यूज़र को मिल जाते हैं। और एक चैनल पूरा एक्सेसमेंट, पूरे एक फ्रीक्वेंसी जो चैनल को मतलब यूज़र को मिलती है वो सारा एक्सेसमेंट करती है पूरे चैनल का। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम, ये स्पीकर को देख रहे हैं आप, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ टाइम है। सो जो FDMA है उसमें टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, टाइम सबको उतना ही मिलता है। एक यूज़र को जितना टाइम मिलता है उतना ही यूज़र टू को मिलता है, उतना ही यूज़र थ्री, उतने सारे यूज़र्स को मिलता है। बट फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी में यूज़र वन को ये मिल जाएगा, यूज़र टू को ये, यूज़र थ्री को ये, यूज़र फोर को ये, जिससे कोलिजन इफेक्ट ना करे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द FDMA यूज़, किस तरीके से हम क्यों यूज़ करते हैं इसे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर अभी तक आपको कोई इस पर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।